हे गाइज असलम दिस इज राबे एंड you're watching मी ऑन खुशा Magazine. आज मेरे साथ डॉक्टर शाइत इज़ अगेन इन द स्टूडियो लास्ट टाइम हमने माइक्रो नीडलिंग पिगमेंटेशन acne की बात की थी तो वो काफ़ी अच्छा गया था सेगमेंट एंड उस भी मैंने कहा था कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम जब भी शाइँ हमारे लिए टाइम निकाल सकेंगी और उस पर बहुत अच्छा response आया बहुत से लोगों ने मुझे DM भी किया कि दे लाइक जो इन्फॉर्मेशन मिली है एंड उनको और चीज़ों के बारे में मालूम करना था तो ये हमारा सेकेंड एपिसोड है उसी सीरीज़ का आज हम uh, बात करेंगे बोटॉक्स हम बात करेंगे फिलर्स के बारे में स्किन टाइटनिंग एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट फ्लड्स एंड जो सोशल मीडिया इन्फ्लुंसर्स होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो कुछ uh, ख्याल जानते हैं डॉक्टर शाइस्ता के और कुछ इन्फॉमेसन लेते हैं अबाउट द मोस्ट फेमस एंड इन फेमस प्रोसीजर्स देट वी आल नो अबाउट असल वाईक राबा कैसे हैं मैं ठीक ठाक आप बताएँ बिल्कुल ठीक है तो फ्लड से स्टार्ट करते हैं शोर आई नो कि आपका अभी कुछ एफर्ट्स जारी हैं तो आप उसकी कुछ डिटेल्स हमें बताएंगी uh, किस एरिया में एग्जैक्टली आप लोग काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं uh, हमने दो तीन तरह की एफ़र्ट्स कि तो ख़ुद जाके की जिसमें खासी मुश्किल भी हुई चूँकि जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं होता यह है कि हम आउट ऑफ लव एन यू नो अपनी काइंडनेस के ऊपर कंसर्न हम जाते हैं और हम खुद आ, चीज़ें लेके चले गए या पैसे वहाँ ले जाके कर दें तो वो इतनी ओ, उस वक्त तो अब तो रेस्क्यू वाला टाइम ख़त्म हो गया है लेकिन उस वक्त वो इतना क्योटिक था कि हमारे लिए भी चीज़ हालाँकि पुलिस कंसर्न अथॉरटीज़ और वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैड थे वो सारी चीज़ें हम सारा उनके साथ अलाइन करके गए थे उसके बावजूद भी हमें बहुत मुश्किल हुई हमने खैरपुर आ, जो है उसको एज प्रोजेक्ट लिया था ठीक है। नाथन नाथन उसको और भारत बेसिक्स के नैचुरस के दिए एस्थेटिक के हम सारे लोग वहाँ पहुँचे okay. पूरी रात का ट्रेवल था और ट्रक्स व्रक्स लेके जो हम बायदा कर सकते थे जितना हमारी थी कैपेसिटी थी।, थी जी जी आ, मगर हमें वहाँ अंदाज़ा हुआ कि वो आ, आपका प्रॉपर चैनल नहीं है ना अगर तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ईजी नहीं है बिकॉज आपको पता नहीं है कि कौन जेनुन है कौन नहीं है हकदार के पास उसका हक पहुँच रहा है या नहीं तो हमने एक प्रोजेक्ट तो ऐसे खैरपुर का किया, किया। एक गाँव अडोप्ट करके और फिर एक फिर बाकी हमने जैसे अलखदमत वालों के साथ कर लिया है। अब है। हम जे डी सी के साथ करने जा रहे हैं है। और इसी तरह सिलसिला हो रहा है जो कि आगे बढ़ता रहे पता है शुरू में इतनी बातें आ रही थी और अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं शायस्ता कि कोई कुछ कर नहीं रहा आप लोग बोल नहीं रहे बट आई थिंक एंड आई एम रियली आई रियली अप्रिशिएट के लोगों को कंसर्न है वो समझते हैं कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी uh, है या हम इतने इस पोजिशन में कि हम कुछ आवाज़ उठा सकें बट सिचुएशन ये जैसे साहब को बता रही हैं आप ख़ुद जाके अकेले इस तरह कुछ नहीं कर पा रहे हैं बहुत सी केसेस सुने unless and अनटिल मैं किसी चीज़ के बारे में शोरूँ मैं उस चीज़ को आगे नहीं बात हाँ। करना चाहती आई नो यू आई ट्रस्ट यू तो मैं आदि ने कितना काम किया है फ़खर ने कितना काम किया है शहजाद शहजाद ने बहुत अच्छी बात की थी कि बजाय कि अगर आप वहां जाएंगे तो आप जमघटा जमा करेंगे और ज्यादा उसके इजाफा होगा तो बेहतर यह है कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी और जिनके अपने एक चैनल बना हुआ है केसेस के थ्रू चीजें जाएंगी आप उन तक चीजें पहुंचा दें आई थिंक ये बेस्ट चीज है और जहां तक आपने बात की कि लोग बात देखें जरूरी नहीं है ये तो मैं बैठ के बात हो सकता है मैं सौ चीजें करती हूँ लेकिन उसमें से मैं मेरी टीम इंसिस्ट करती है कि हाँ जी अगर दो बताएं नहीं क्योंकि हम अपने खा, खाने की तस्वीर लगा सकते हैं अगर अपने जूतों की तस्वीर लगा सकते हैं अपने ट्रैवल की तस्वीर लगा सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते नहीं। तो मैंने इस बात पे मैं थोड़ी सी मुझे लगा कि हाँ नहीं, नहीं। यहाँ मैं चुप हो जाऊँ अगर हम ये चीज़ को एक आध दफ़ा दिखा सकते हैं तो ठीक है लेकिन आई एम श्योर वो लोग जो अपने बाकी सारी चीज़ों में जो जो उनका प्रोफेशन है वो उसमें मसरूफ़ हैं चाहे वो माहरा हों यासर हों कोई भी हो Uh, uh, वो अगर वो कर रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि ज़ाहिर दुनिया को तो नहीं बताने की चीज होती हर चीज़ है तो नहीं शो करूँ हाँ तो तो आपको क्या मुश्किल कुछ आप शेयर कर सकती हैं वोट पर एक दो मुश्किल जो आपको बहुत ज्यादा आप लोगों को हिट की ताकि लोगों को बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन पता है क्या ये भी देखा हमने वहाँ कि अगर हम कोई चीज लेके गए तो एक औरत आती है वो लेती है एक दफ़ा और दोबारा जाती है वो कपड़े चेंज करती है और बीच में जो पेरेफरी पे लोग हैं ये लोग काफी अंदर हैं जो पेरेफरी पे भी लोग आ गए वो सिर्फ उन तक पहुंच रही है चीजें हाँ. है ना तो वो नहीं ये रहा कि आप अंदर जो लोग जा अभी जा दीप जाके एरियाज हैं उनको वहाँ बैठे लोगों को देखें और अब तो चूंकि रेस्क्यू ख़त्म हो गया है सेकेंड आर शुरू हुआ है रीबिल्ड या रिहेबलीटेन री वाला रिलीफ वाला शुरू हुआ है तो आई थिंक अब तो घरों की ज़रूरत है और खुदारा जो लोग काम कर रहे हैं अदीका तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनके साथ चीज़ें और लोग भी आर्मी भी आई हुई है और लोग तो ऐसे घर बना रहे हैं जो अगर अर्थ या अब नेचुरल क्लामिटीज़ जितनी हैं वो प्रूफ हैं तो तो बहुत ही अच्छा है लेकिन इसके बावजूद भी जैसे मैंने अल के साथ किया तो वो लोग भी उनके पास भी तीन कैटेगरीज हैं जो उन्होंने बनाई हुई हैं कि जी इतने, okay. इतने 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 इस तरह का okay. तो अब वो घर बनाना और हमारे यहाँ अमूमन लोग समझते हैं कि शायद मॉनेटरी हेल्प की जा सकती है ऐसा बिल्कुल नहीं है वो खातन जो घर पे बैठी हैं और जिन्हें एहसास होता है कि यार क्या सिर्फ मैं अक्सर होता है लोगों को खातन को कि ओ मैं मैंने सिर्फ डायपर चेंज करना है या मैंने सिर्फ हांडी बनानी है उनका बहुत बड़ा काम हो सकता है क्योंकि मेंटल हेल्थ या काउंसलिंग जो है उनकी yeah. क्योंकि उनके वो शेल्टर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो उनके लिए इस वक्त ये सपोर्ट ये पे बात करना उस औरत को जाके आ, बेहतर करना बेहतर फील करवाना इनक्रेज करना इवन वहाँ हम कैंप्स में मैंने मेडिकल कैंप्स में काम किया उनको हाइजीन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है सो so, ये एक आम औरत घर शहर की औरत कर सकती है म, म, अभी हमने भी आई एस पी ए के साथ आ, कुछ दादू और सेवन शरीफ को विज़िट किया था हमने भी वहाँ देखा और मैं भी यही सोच रही थी कि येस हम मॉनिटरी हेल्प करें लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यहाँ बैचेज़ में लोगों को लेके जाएं एक तो लोग भी देखें आपका भी एक इंसानियत का लेवल बढ़ता है आपके अंदर एक एम्पथी आती है और उनको भी ज़रूरत है जैसा आप बोल रही हैं ना कि हाइजीन पे एजुकेट कर सकते हैं बच्चों को थोड़ा बिज़ी रख सकते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो सकती है जो बीमार हैं उनकी थोड़ी बहुत और आपका अपना इलाज भी होगा अभी तो आपने एंपैथी की बात की आप देखिए आप एक न्यूज़ देखते हैं ए, दो बच्चों को मार दिया एक बाप ने आप एक मिनट के लिए ओ करते हैं सेकंड टाइम exactly, आप बिल्कुल yeah. नॉर्मल हो जाते हैं सो दिस इज ये हमारे ये इसका मतलब है हम भी कोई नॉर्मल नहीं है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये ठीक नहीं है तो जब आप इस तरह करते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपको ज्यादा देती है वो चीज बजाय आप सिले को थे अभी पता है जब हम उस कैंप में गए तो एक औरत थी वो साथ खड़ी थी और धूप थी गर्मी थी तो उसने कहा आप ये धूप देख रही हैं अच्छा मैं बातें कर रही हूँ अपनी फ्लो में बात कर रही हूँ तो मैंने कहा कहती है ये गर्म है ना मैंने कहा गर्म है इसको तो मैं नंगे पाऊँ नहीं इस पर कहती है इस पर मेरे बच्चे सोते हैं आप यकीन करो उसने ये बात बोली ना और एकदम से मैं झटके से मैंने कहा ये ओ गॉड आई नेवर थॉट था चीज़ें हमारे पास बिस्तर नहीं है तो ये चीज़ें होती हैं जब आप एक्चुअल जाते हैं और मिलते हैं आप कितनी बड़ी मतलब जब मैं वहाँ गई हूँ मेडिकल कैंप्स में तो मैंने देखा कि वो बच्चे हम एक छोटे से ब्लिस्टर या छोटे सा अलसर कहीं एक दाना भी हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं बिल्कुल और वो इतने छोटे बच्चे और परेशान क्या हो जाते हैं हमारे अपने बच्चे के हो जाएगा तो वो चीख चीख के आसमान सर पर उठा लेता है और वो बच्चा बग़ैर चप्पल के उन ब्लिस्टर्स के साथ उस फंगल इन्फेक्शन के साथ फिर रहा है खून भी आ रहा है पीप भी आ रही है सो so, और आप टॉलरेंस देखें वहाँ और इस पर याद आता है आपको कि अल्लाह ताला हर हाँ चीज़ का बड़ा शुक्र है बड़ा लेकिन है आ, सिर्फ वो कसूर मतलब उनका तो कोई कसूर ही नहीं, नहीं। हम पूरे कसूरवार होंगे अगर हमने मदद नहीं हम की हाँ किसी भी तरीके से जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों और आप पैसे से मदद करें बिल्कुर, बिल्कुर। बहुत घर में हमारे कितनी ऐसी मेडिसिन हैं कभी आपने सोचा है, है जो उस ड्रॉ में पड़ी रहती हैं और फिर जब एक्सपायर्ड हो जाती हैं तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं इस्तेमाल हो सकती है yes, yes. हो. Yes. अच्छा इसी वे anyway, हम लोग आपको सपोर्ट कुछ आप, आप भी खिदमत के साथ करिए आपका अभी भी लगा रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं मेडिकल कैंप्स भी लगा रहे हैं और उसमें हम गए थे और सुपर हाईवे पे कुछ वहाँ आए हुए गवर्नमेंट का बॉयज कॉलेज है वहाँ लोग ठहरे हुए मैं मेरे लिए इतना हॉरिफाइंग था वो एक्सपीरियंस आप यकीन करें हजार लोगों के ऊपर चार या छ वॉशरूम्स थे गॉड oh okay. आप जाते हैं और आगे थे। कैसे ये ये रियलिटी लेकिन मैं आपसे बता रही हूँ कि ये मेरी अप, मेरे अपने लिए बहुत जरूरी है hmm. क्योंकि मैं इतना सब कुछ आप कर रहे होते हैं आप अपना घर भी देख रहे होते हैं रिश्ते भी देख रहे होते हैं देन पर आप अपने लिए आपको एट द एंड डे जब अपने रूम में जाते हैं तो आप कहते हैं क्या hmm. लेकिन उस ये करने की वजह से आई थिंक

आ, और आ, और बहुत सारे और जराए हैं हमने रब ये नहीं किया कि आप बिस्तर भी ले आएं आप कपड़े भी ले आए क्योंकि उसमें हमने देखा कि आ, बड़ी थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस भी आए, है आए, बहुत अफसोस की बात, बात है हाँ, तो, वो तो वो और मुश्किल हो जाता है काम बढ़ जाता है देने का आप सोचते हैं आप कैसे उठा के ये चीज़ लेके जाएंगे सही सही बात बात है है तो इसलिए बेहतर है कि आप वो लोग जो वहाँ तक काम करें इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरी जरूरत है वाटर uh, पम्प्स की ओके okay. है ना सोलर पैनल्स की ठीक है uh, त, uh, अब तो टें वाली स्टेज खत्म हुई है अब तो उनके घर बनाने mm -hmm. हैं जो उनके मड हाउसेज हैं वो सब mm -hmm. गिर चुके हैं तो कोई ऐसी uh, चीज की कि uh, ऐसे सपोर्ट की मॉनिटरिंग फ्रेंकली जो लोग ऑलरेडी उस प्रोसेस में घर बनाने mm -hmm. के उनको उनके करें, हाँ, उनको सपोर्ट करें अच्छा जी वी कम टू नाउ जिसके लिए हमने ज्यादा बुलाया था ये <laughs> तो तो चलिए इस पर बात करते हैं

एस्थेटिक के जितने भी प्रोसीजर हैं उसके बारे में लोग कहते हैं एक दफा करा लें हमेशा कराना पड़ता है मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ एक दफ़ा की चेंज आपको अच्छी लगती है तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो चेंज बार बार हो हाँ। इसलिए ये कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ और कहीं किसी मेडिसिन में ये नहीं लिखा हुआ कि आप ये एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको हमेशा लेनी पड़ेगी सही बात है एक और किसका इंडक्शन होता है मतलब किस व्हाट डज इट टारगेट एग्जैक्टली अच्छा किस चीज के आ, वो तो थेराप्यूटिक उसका यूज भी है मगर ओ, अगर हम सिर्फ अपनी ब्यूटीफिकेशन और ब्यूटी आ, की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रिंकल फ्री करता है आपको ठीक है आ, आपके माथे पे लाइंस जो पड़ती हैं फोरहेड पे आपके क्रोस फीट पड़ते हैं आपका अगर जॉ आजकल बहुत ज्यादा शौक है लोगों को कि बड़ी कोई चिज़ल जॉ है तो उसमें उसमें कुछ आ, मदद okay. मिलती है जी जी अच्छा बहुत सारे अब, अब थेरापेटिक अगर बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को आ, बड़ों को भी एंजाइटी और पसीना बहुत ज्यादा हाथों में आता हुँ. है उसके लिए भी हम यूज करते हैं अच्छा, इवन लिए के लिए भी यूज़ यूज हो होता है, है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था मुझे इतना पता है कि मैंने अंडर में स्वेटिंग जी ब्राइट्स बी जो होती है बहुत सारी और खातन जिनको या मर्द हजरात जिनको बहुत ओवर स्वेटिंग की शिकायत होती है तो लैब एक आध बेसिक कराने के बाद हम अगर हाईपर का पेशेंट है और तो फिर हम दे देते हैं बोटोक्स दे तो दे वो कम हो जाते हैं क्योंकि आपका जो ग्लैंस है वो साइज श्रिंक हो जाता है तो वो ग्लैंड की सिक्रेशन भी कम हो सो so, माइग्रेन uh, के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव माइग्रेन के लिए भी बहुत इफेक्टिव ये डिपेंड करता है सिलेक्शन है पेशेंट का हर माइग्रेन का पेशेंट uh, जाके जिसको uh, महीने yeah. में कभी एक दफ़ा माइग्रेन होता है वो ना लगवाए नहीं प्लीज़ आई वॉन्ट टू से जितने प्रोसीजर्स की बात हो रही है किसी को प्लीज डायरेक्टली अटेम्प्ट मत करें जाके पहले एक नहीं नहीं डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी बहुत जरूरी है कंसल्ट योर डर्माटोलॉजिस्ट और डॉक्टर एंड देन गो टू एनी प्लेस वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल विद एंड वो कराइए अच्छा तो इसका प्रोसीजर क्या होता है एक छोटा सा इंजेक्शन होता है राबिया और वो एक किस्म की दवाई है न्यूरोटॉक्सिन एक दवाई है जो कि आप, आप जिस जगह जिस मसल पे दी जाती है वो मसल विद इन फिफ्टीन डेज स्ट्रेच एफर्ट्स करें मैं यहाँ से हूँ मेरे यहाँ ये यह रिंकल्स पड़ रही हैं अब मैं जब अगर यहाँ दूंगी ये यह दवाई तो ये दवाई की तरह एक करेगा थर्ड फोर्थ डे से किक इन करेगा और फिर आपको सेवन एट डेज से डिफरेंस नज़र आना पेशेंट को शुरू हो जाता है और उसके बाद यूँ हो जाता है जो यूँ आख्या और ये कितने दिन लास्ट करता है ये डिपेंड uh, करता है वैसे लास्ट फोर फाइव मंथ्स करता है लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम किस पेशेंट को डाल रहे हैं उसकी एज क्या है जेंडर क्या है उसकी लाइफ क्या है इसके ऊपर भी कभी बहुत जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है अगर आप यू नो एट अ सर्टेन एज आपकी अपनी कॉलोजन डिप्रेशन ज़्यादा शुरू हो जाती है तो वो जल्दी जाता है अच्छा मैं कहीं पढ़ी थी कि ये वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है यस yes. तो लेकिन और फिर कहीं ये भी मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि अगर आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो नहीं कराएं तो कैसे पता चलेगा कि मेरे मसल्स बहुत वीक हैं या कोई भी हो कि उनके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं उसका कोई अलीहदा पहले टेस्ट कराना करा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हर एक पेशेंट बोटॉक्स की इंडिकेशन नहीं होता इसीलिए आपका डॉक्टर यहाँ बीच में आता है और वो देखता है कि जहाँ और पेशेंट को बता दिया जाता है कि आप पे इतने परसेंट Uh, hmm. ये अमल कर सकता है और hmm. इतना आपको इम्प्रूवमेंट आएगा hmm. इससे ज़्यादा नहीं आ सकता और बेबी बोटॉक्स का भी मैं आजकल सुन रही हूँ वट इज़ दैट इट्स डिफरेंट फ्राम दैट नो 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 इट्स बेबी बोटॉक्स है वो थोड़ी डाइल्यूट फॉर्म है okay. और uh, जो जो आपको नेचुरल रखती है जो आपकी स्माइल चेंज नहीं करती okay. फ्रीज नहीं करती आपके बहुत सारे हम टी वी पर देखते हैं जिन लोगों को फिल्म देखते हैं ओबेसली उनकी अगर उनकी ज़रूरत है वो लोग कराते हैं और um, स्माइल अगर पहले इतनी सारी होती है तो इतनी यहाँ तक आ जाती है तो okay. हाँ और इसी तरह अंदर अला आ जो आए है लाइंस अगर होती हैं तो उसमें भी हम बेबी बोटॉक्स करते हैं अगर बहुत चेहरे पर रिंकलिंग है और यू नो आप बहुत ट्रेवलिंग के बाद hmm. आते हैं तो लाइंस बहुत पड़ जाती हैं डिहाइड्रेशन हो जाती है तो तब भी ये कराया जाता है इसकी ड्यूरेशन क्या कम होती है जी जी उसकी वो ऑब्वियसली वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है बेबी बोटॉक्स में तो ये मोर टेम्प्रेरी

पॉसिबिलिटी है कि आपके मसल्स वीक हो जाए मुसल्स बिल्कुल, so बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल नहीं बल्कि ये पॉसिबिलिटी है कि पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए अगर आप इवन आगे ना भी लगवाएं तो पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए सो दे कैन बिकम स्ट्रॉग लोग बोलते हैं ये यूं हो गया भाई डिकेइंग खत्म नहीं होती मतलब एस्थेटिक के कोई भी प्रोसीजर्स जो हैं स्किन की जितनी भी आप केयर कर लें यू कैन नॉट स्टॉप एजिंग यू कैन डिले इट है ना मेनटेन इट

तो उसको एक्सपेक्टेशन uh, भी फिर पेशेंट को ऐसी होती हैं लेकिन ये लोगों की जो थोड़े से फियर्स हैं या वो वो भी उनको पता चले कि भी ऐसा नहीं है कि कि बहुत ही कोई आर्टिफिशियल चीज़ हो रही no. है जो ये आपके uh, डॉक्टर की uh, और आपकी ख़ुद म्यूचुअल एक uh, पहले तो ज़ाहिर बात होती है कि कितनी uh, दुरुस्तगी या करेक्शन आपको चाहिए ओके सो एनी थिंग यू फील दो तीन चीज़ें जो आप लोगों को बोलेंगी कि बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन टू गेट अ बोटॉक्स डन अगर आपको रिकमेंड हो गया दो तीन चीज़ें जो जहन में रखें उनको देखनी चाहिए या कहीं से आते um, हुए देखनी चाहिए ये yes, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं और दो तीन नाम लेते हैं कि जी उनकी तरह तो नहीं हो जाएगा मूव है ना तो ये प्लीज़ देख लें कि आप जिसके पास जा रहे हैं उसकी अपनी अप्रोच कैसी है ओके है ना क्योंकि अगर एक दफ़ा बोटॉक्स का रिएक्शन आ जाएगा तो उसको दोबारा ख़त्म करना कुछ हफ्तों के लिए फिर मुश्किल हो जाता है फिर वो और आर एफ करो ये करो mm -hmm. वो करो हाइफू करो मसले मसाइल हो जाते हैं तो इसलिए बेहतर है कि आप डॉक्टर से हमेशा और आपका जो सही डॉक्टर होगा वो आपको अंडर डू ही रखेगा yeah. आ, वो ओवर नहीं करेगा mm -hmm. और वनस पंद्रह दिन बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद अगर थोड़ा बहुत यूनिट ऐड करने होंगे तो वो कर देगा जो ठीक डॉक्टर होगा अप्रोच यही होती है ठीक ओके ओके ठीक है और वाट एज आप रिकमेंड करेंगी 19 ईयर्स और एटीन ईयर्स की मॉडल्स भी लगवाती हैं ये डिपेंड करता है कि कि क्या चीज़ है अगर आपको वही मैंने कहा जैसे आपको जॉब बहुत स्ट्रेच चाहिए छोटा मुंह चाहिए लोग होते हैं ना कि थोड़े ऑब्वियसली हम लोग तो बड़े फोटो कॉन्शियस होते हैं ना सही बात है। जो मीडिया में काम करते हैं लोग उनकी ज़रूरत भी होता है रैम्प की मॉडल्स हैं उनकी जरूरत डिफरेंट है टी की जो एक्टर्स हैं उनके जो नीड है वो डिफरेंट है उनको नेचुरल रहना होता है आपको पता है से लाइंस भी क्रिएट होती हैं। अच्छा, ये, ये, okay. डीप तो 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 है, तो है। okay. करने के लिए या लाइन्स बढ़ाने के लिए okay. ये yes. कितनी, इतनी चीजें जो पता नहीं होती yeah. ना आपको एक हर चीज वो एक पूरा एक कहानी है जिसके पीछे आप सुन सकते अच्छा कहीं मैं पढ़ी थी किसी ने कहा कि ये जो concept, ये जो थाट है ना कि हाँ इतनी एज हो जाएगी जब लाइंस बहुत आ जाएंगी तो फिर जाके हम कराएंगे तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं उससे पहले कम से कम yes. दस साल पहले अगर आप या आई डोंट नो दस साल या हाँ, मतलब चार जब, साल जब आपको लगे कि लाइंस आनी शुरू हो गई हैं और एक्सप्रेशन के बावजूद भी स्टैटिक लाइन मतलब आपने आपका फेस का कोई एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपको लाइन्स आ रही हैं और आपको बॉदर कर रही हैं आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं तो ये आप अपने डॉक्टर से जाके बात कर सकते हैं मुझे बिल्कुल लुक नहीं चाहिए नहीं। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि जो मुझे ये बॉदर कर रही है अब थोड़ी सी तो इसको बेहतर कर दें अक्सर लोगों की ये ग्यारह यहाँ बनने लगता है है ना ये वाली दोनों बिल्कुल ये वाली चीज़ बनने लगती है और इसको कई बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो आके कहते हैं जी मुझे हाफ फिफ्टी परसेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें मैं क्लियर सिर्फ ये करना चाहती थी कि अगर आपने बोटॉक्स कराना है तो डोंट वेट कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उस स्टेज पे पहुंच जाए yes. फिर आप करें। यहां बताना ये बहुत जरूरी ये, है राबा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब पेशेंट आते हैं इतनी सारी लाइंस लेकर फिर वो समझते हैं कि वो बोटॉक्स से ठीक हो सकती है ऐसा नहीं वंस लाइंस आर डी तो उसको वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ेगी यानी फिलर की भी जरूरत पड़ेगी फिर तो इसके लिए थोड़ी गेटिंग दिस डन तो फिर आप टाइम से करा लें ये हम कम्युनिकेट करना चाह रहे थे ओके देन वी मूव ऑन टू फिलर्स अच्छा मैं बड़ी हैरान हुई जब मैंने सवाल पूछने के लिए ऐसी मैंने कहा मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ कि फिलर्स में भी कितनी चार तरह की टाइप्स हैं वो कुछ yes.

फिलर okay. uh, आता है तो बोटॉक्स इज मोर फॉर रिंकल या स्किन को एंड फिलर्स इज मोर अगर आपको स्किन को थोड़ा करना है, है. जी, 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 जी जी मुझे भी आ गई yes. <laughs> <Plump> करना है ओके <laughs> okay. हाँ. ये लिप्स के फिलर्स डिफरेंट uh, mm -hmm. होते हैं चीक ऑगमेंटेशन करने के लिए mm -hmm. वो फिलर्स डिफरेंट होते हैं बोन पे डालना है चिन ऑगमेंट करानी है बेहतर करानी है mm -hmm. तो वो पॉइंटेड करानी है लड़कियों को बड़ा शौक होता है लड़कों को भी होता है बाय द वे हाँ। सारा औरतों पे होता है भाई। तो एक मुझे याद है मेरा पेशेंट आया कि वो का कि वो मेरी ना यहाँ बहुत आती हैं जब मैं हंसता हूँ कलीग डॉक्टर मुर्श्रा थी तो उसने कहा कि आप ना ये करा लें वरना ये बहुत डीप है तो आपका हाँ। उसका निका होने वाला था लड़के उस का उसने कहा हाँ लेकिन मैं अपने निका पर हंसूँगा नहीं ना यार इतना भी नहीं, नहीं मैं हंसूंगा नहीं कॉन्शियस हाँ बोटॉक्स नहीं कराता लेकिन मैं हंसूंगा नहीं फिर mm -hmm. कि मेरी लाइंस exactly. नजर आए ससुराल वालों को भाई शादी हो रही है मुस्कुरा <laughs> अच्छा ठीक है तो ये किस एज पे और इसके बारे में क्या दो तीन चीज़ें हैं जो you feel that we should know about fillers? अच्छा कंसर्न क्या वही अगेन बोलूंगी इंडिकेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह किसी भी एज में किया जा सकता है, आ, और, 20 done, अगर उसको कोई चीज़ है। और वो ज्यादा लड़कियाँ वही कराती हैं अच्छा, लिप्स के फिलर्स वही कराती होती हैं चिन उनको बेहतर करनी होती है अपनी देखिए विथ टाइम भी चिन रिसस्ड भी होती है और लेकिन कुछ आपका स्कल uh, का फीचर्स भी ऐसे ही होता है ना जब कभी चिन अंदर है yeah. या कोई भी ऐसा एरिया जिसको इन्हांस करना है आप तो वो फिलर्स uh, की मदद से ही होता है तो इसमें कोई एज बैरियर नहीं है कि यहाँ इस एज का करा सकता है इस एज का नहीं करा और ये ये कितने दिन लास्ट करता है ये डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं बट okay. हाँ इसमें भी बड़ी क्वालिटीज़ हैं अच्छा, जैसे मेडिसिन okay. में चाइना की भी कोरिया की भी और, आ, की कोरिया और अमेरिका बोटॉक्स कराया आपने बिल्कुल ऐसे <laughs> <laughs> बिल्कुल अच्छा, ये ये प्रोसीजर भी पेनफुल होता है जल्दी हो जाता है यानफुल आ, लेकिन फिलर के लिए आप एक थोड़ी सी आपको ज़ाहिर डॉक्टर को पेशेंट के साथ बैठना पड़ता है बात करनी पड़ती है उसकी ज़रूरत क्या है क्या नहीं है नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा डॉक्टर को काम करना पड़ता है स्कप्चरिंग है फिलर तो, तो सॉरी थो yeah, sure. बात पूछ रही हूँ तो वो फिलर अगर हाइलोरिक एसिड या कोई मुझे मैंने पढ़ा था बॉल्स भी कोई डालते हैं तो वो डाल दिए अंदर तो वो वो अंदर रहते हैं स्किन के mm -hmm. तो इन्फेक्शन टाइप चीज़ तो नहीं हो जाती बिल्कुल sorry. नहीं होती नहीं होती <laughs> so बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं नहीं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं होती डिपेंड mm -hmm. करता है एक तो आपके अपनी हाइजीन पे जो आपको बताई गई है बात आपका सर्टिफिजेशन आपको जो बता रहा है mm -hmm. उसके ऊपर आपने ज़रूर mm -hmm. अगर आपको प्रोफाइलेक्ट्रिकली कोई एंटीबायोटिक वगैरह दी गई है हम मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स होती हैं उनको दे देते हैं या एक जहाँ हमें इंडस्ट्री uh, के भी बहुत सारे uh, कभी क्योंकि हमें मेकअप करना होता है ना yeah. वो बेचारी yeah. फिलर करा के गई हैं या गए हैं mm. और फिर जाके उसको शूट पे जाना है yeah. तो फॉर मेकअप हुआ yeah. चीजें हुई तो इसलिए बेहतर है कि फिर ऐसे केसेस में अदरवाइज ऐसा और बॉल्स तो वो हम डालते हैं mm. वो तो हम वो डिपेंड करता है कि किस क्या नीड है क्या चीज़ है हर जगह बॉल्स नहीं डलती हाँ mm. अक्सर कंप्लेन ही होती है कि जी लिप्स में कराया था और वो बॉल्स बन गई तो वो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं वो कर अच्छा ऐसी चीजें भी होती हैं नहीं नहीं होती वो आप मैनुअली उसको किया जा सकता है मतलब खरा, खराब हाँ। हुई हो तो अच्छा होता क्या है ये आप लोग जो देखते हैं ना हाँ। इंटरनेट पे हाँ। ये सिर्फ वो चार पाँच छः केसेस जो से दस हजार में खराब हुए होंगे कभी या कोई उस डॉक्टर से झगड़ा हो गया होगा उसका ये तो मैं तो बिल्कुल ऐसे चलने नहीं देखती जैसी पेशेंट बैठता है मेरे पास मैंने फला डॉक्टर के पास गई थी मैंने कह रहा है मैंने कहा उन्होंने तो मुझे पढ़ाया है वो तो ख़राब हो ही नहीं सकते या नहीं। हो ही नहीं सकती नहीं। वो इतना बड़ा नाम है आप पहले ही क्योंकि पेशेंट आता है वो हमदर्दी लेना चाहता है आपसे फ़ौरन ही बैठते मैं आप मैं तो ढूंढ के आपके पास आया हूँ उस डॉक्टर के पास गया था तो उसने खराब कर दी मुझे पता है कि कल ये किसी और डॉक्टर के पास भी जाएगा और मेरे बारे में बोलेगा यही इसको बोल दो तो मिस्टेक्स ऐसे नहीं होती हैं okay. और वो मिस्टेक्स बिल्कुल अगर तो हुई है तो कंट्रोलेबल होती है okay. ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा कोई फेयर अपने दिमाग में या जहन में नहीं रखें कि इससे कुछ यूँ हो जाएगा okay. अगर आपको वो फेसेस थोड़े से अपनोक्शियस या थोड़े से आउट ऑफ प्रपोर्शन या hmm. नेचुरल नहीं, नहीं लगते लग तो वो आप चाहती हैं तो मैं इसलिए अब आप मुझे कहें कि नहीं थोड़ा सा और नहीं थोड़ा सा और नहीं मैं चाह रही हूँ कि ये ये जो चीज है ना थोड़ा थोड़े से और है ना जाए तो भाई तो मेरा कसूर तो नहीं है ना ये तो आपकी नहीं। पसंद नहीं। है कि आप ये करवा रहे हैं है ना मैं आपको बोल रही हूँ बस इतना बहुत है इतना बहुत है इतना बहुत है आप कह रही नहीं।, नहीं।, नहीं तो वो मेरा कसूर हुआ ठीक है तो आई होप इन दो प्रोसीजर्स पे आप लोगों की जो कुछ कन्फ्यूजन्स थी कुछ चीज़ें थी जो क्लियर हो होगी हो, मुझे मेरी तो हुई हैं uh, हमने क्वेश्चन डाले थे कि हमने क्वेश्चन डाला था कि आपसे कुछ लोग पूछना चाह रहे हो तो एक तो बहुत आया था आपकी स्किन रूटीन स्किन केयर रूटीन बहुत से सवाल आए कि क्या है आपकी स्किन केयर रूटीन मॉइस्चराइजेशन 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 हाइड्रेशन स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है yeah. हम मेकअप के प्रोडक्ट्स पे इतनी तवज्जो दे रहे होते हैं ना सो जो टोनिंग क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजेशन या हाइड्रेशन वो बहुत ज़रूरी है आप किस चीज़ से मुंह धो रहे हैं अपना मेकअप रिमूव कर रहे हैं आप मेकअप नहीं करते तब भी क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है एक्सफोलिएशन yeah. अच्छी चीज़ है स्किन के लिए और हाइड्रेशन इज़ द की अगर आप और छोटे बच्चे के लिए भी hmm. अभी तो ये बहुत छोटी है अभी तो ये चौदह साल की है इसको क्या ऐसी चीज़ें लगाना hmm. अच्छा और ओवर द काउंटर जो फजूलियात मिल रही हैं वो लगा देंगी वो उनको उससे स्किन जब तक मुझ तक पहुंचेगी तब तक वो काम हो चुका होगा गोरे करने के ऑब्सेशन में तब तक काम हो चुका होगा नहीं। अरे नहीं ये तो ये वो लगाती थी जिसका भी नाम चेंज हो गया वो तो वो लगाती थी बस वो और वो तो हम इंडिया वाली मंगाते थे हेलो आपने तो मेरा काम कर दिया और उसके बाद आप कह रही हैं अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब अब बस इसको सही कर सही, अब नहीं सही हो सकती है क्योंकि आपने उसकी स्किन पील कर दी है और पील करने के बाद उसकी स्किन पे हर उस चीज ने जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुदरत ने धूप है या हाँ। तपिश है या तो वो सारी चीजें उसके ऊपर असर कर चुकी हैं उल्टा तो अब मेरे अब मुझे टाइम दे एक तो हंड्रेड परसेंट ठीक नहीं होगा लेकिन जितने परसेंट मैं कर सकती हूँ हाँ। उसको टाइम चाहिए तो क्लेंजर में क्या आप एनी प्रोडक्ट दैट यू कैन रिकमेंड या आप क्या बोलें कोई गाइडलाइंस के ये देखो, पिक करूँ क्लेंज़र का मतलब कोई ये नहीं है बहुत आला किस्म का नहीं। क्लेंजर लें लेकिन एटलीस्ट आपका मॉइस्चराइजर आपका कलेंज़र आपका सन ब्लॉक ये मेडिकेटेड होना चाहिए सो वट यू मीन बाई मेडिकेटेड मैं अगर अगर मैं खरीदना चाहूँ अपने लिए मैं कहाँ से जाके अगर मतलब फर्ज करें सन ब्लॉक है ठीक है है ना तो वो फिज़िकल ब्लॉक भी होना चाहिए उसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड भी होना चाहिए okay. उसमें सन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स यू ए और यू बी दोनों होने चाहिए ठीक है. तो ये मैं उसकी रीज़न आपको बता देती हूँ मैं क्यों नहीं कह रही कॉस्मेटिक क्योंकि कॉस्मेटिक कंपनीज़ को के पास वो लाइसेंस ही नहीं होता कि वो इतने एस यूज़ कर सके okay. वो बहुत सारे कंपनीज क्लेम करती हैं कि इवन मैं भी बीबी ब्लॉक मेरा जो है एस hmm. बेसिक्स का मैं खातिन लड़कियों को कहती हूँ घर में रह रही हो बीबी ब्लॉक लगा लो बट इफ़ यू आर गोइंग आउट तो उस बी बी ब्लॉक के साथ कोई एक एस पी एफ मेडिकेटेड ज़रूर कम्बाइन करो हाँ तो वो क्योंकि कॉस्मेटिक फर्म्स जितनी हैं या स्किन केयर रूटीन की जो भी चीज़ें हैं कमर्शल hmm. ठीक है वो उनके पास ये तो लाइसेंस नहीं, नहीं है इजाज़त तो, नहीं है तो मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेशन हाइड्रे एक दो सवाल साथ आ रहे हैं मॉइस्चराइज़र भी मेडिकेटेड आप कह रही हैं कि वो इस्तेमाल करें जी जी

और उसका हेलरॉनिक फाइव परसेंट है एचे वो है। बहुत अच्छा है आजकल लोकल कंपनीज़ ने बहुत अच्छी चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं तो एक मेलोना है मेलोना के नाम से है एचे और एक डिफाइडर्म के नाम से बहुत अच्छा है तो ये वाली चीज़ आप ले सकते हैं जो okay. कि अच्छा सिरम है जो मेरी बेटी भी यूज़ करती है मैं भी यूज़ करती हूँ Uh, um, uh, कोई बात तो नहीं किया तो उसके साथ मुझे ऊपर है देखिए ये डिपेंड करता है अगर यहाँ आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपका डॉक्टर आ जाता है ओके okay. वो आपकी स्किन की नीड पे बताए सिर्फ हाइलोरिक काफ़ी नहीं होता कुछ स्किन्स के लिए जैसे okay. आपकी स्किन mm -hmm. के लिए मैं चाहूँगी कि कुछ थोड़ा बहुत इमोलियंट ऊपर ज़रूर लगे ओनली सिरम विल नॉट

बस एक ही चीज़ है वो हाइड्रेशन हाँ। हाँ। में ये आप आ, 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 एक तमीज़ कर सकते हैं कि उसमें आपको चिपचिपाहट नहीं आती okay. बट जब yeah, आप मॉइस्चर right. करते हैं mm -hmm. हाँ मॉइस्चराइजेशन करते mm -hmm. हैं तो आप किसी क्रीम बेस्ड जेल बेस्ड चीज़ mm -hmm. नहीं होती वो क्रीम बेस्ड कुछ उसमें मोलियंट भी होगा yeah. वो आप लगाते हैं okay. तो एट आर एज ज़रूर करना चाहिए बिकॉज एक वक्त पे आपकी अपनी स्किन का जैसे पहले मॉइस्चर होता था वो नहीं होता है ना चेंज होती रहती हैं चीज़ें एंड विथ योर डाइट विथ योर स्ट्रेस फैक्टर्स लाइफ स्टाइल बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं वेदर के साथ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं तो अब जैसे तो वो मॉइस्चराइजर जो आप आ, आ, गर्मी में, में इस्तेमाल करें वो सर्दी में नहीं कर सकते डिफरेंट यूज गैस तो इसलिए आपका डॉक्टर यहाँ बीच में आया था अच्छा मुझे ये बताएं कि क्लेंजर यूज़ करते हुए उसके लिए मैं अगर चूज़ करी तो क्या दो तीन चीज़ें मैं जहन में रखूँ देखिए क्लेंजिंग मिल्क आप कोई भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं ओके क्लेंजिंग मिल्क अगर मैं कहना चाहूँ तो एस बेसिक्स का भी आप क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं बट अगेन क्लेंजिंग मिल्क एक टूल है okay. लेकिन आपने क्लेंजिंग करनी ज़रूर है ठीक है क्लीन स्किन होगी mm -hmm. तो ही वो हाइड्रेट करेगी तो ही वो uh, yeah. uh, uh, सांस ले सकेगी स्किन और अच्छा फेस वॉश yes. तो वो फेस वॉश एक्चुअली मैं पूछी थी उसके लिए कुछ दो तीन टिप्स जो आप दे सकें चूज करते हुए हम क्या अच्छा हैं? फेस वॉश का मैं हमें हम जल्दी में होते हैं मैं भी ये लेकिन मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी हाँ उसके बाद से मैं जल्दी भी नहीं हूँ मेरे लगा के और मैं मज़ा अच्छा मेरे मेरे जहर में ना शहिस्त की बातें ना गूंज रही होती है मैं लगा के मुझे याद है आपने उसमें ना पता नहीं कम अज कम पंद्रह बीस सेकेंड या yes, भी ज्यादा यू yes. uh, उसको थर्टी से आप, करें आप ये हाँ, अपने आप को कोशिश करते हैं तीन से पांच मिनट का टोटल ये टाइम है बट yeah. ये तीन से पांच मिनट विल सेव यू फॉर सो मैनी थिंग्स yeah. आप आ, आगे पैसे नहीं आपकी स्किन पर खर्च mm. होंगे जितने होने उससे कम होंगे yeah. पर आप क्या करते हैं कि आप जल्दी जल्दी में एक yeah. रूटीन में होते हैं तो आप बिल्कुल वो तीन से पांच मिनट का पूरा एक वो वीडियो भी जो हमने बनाई थी लेकिन वैसे भी आप अपनी क्लेंजिंग और फिर फेस वॉश एंड देन मॉइस्चराइजेशन आप रात में सो रहे हैं तब भी प्लीज़ ये करें yeah. सुबह घर से निकल रहे हैं सन लॉक पहनने से पहले ये करना बहुत ज़रूरी है मेकअप uh, और बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आती हैं अगर मेरे पास दीवार अच्छी नहीं होगी तो मैं पेंट क्या करूँगी सही बात है अब हम बात करते हैं पी की और जो सीट साइकिलिंग ये सही दो दफा के बाद सही बोल दिया ओके वी हैव द पैकेट हियर राइट हम दिखा भी देते हैं अच्छा तो ये

तो खैर वो उस पर हम बाद में आते हैं लेकिन पहले हम एक उसका मच्छर समझते पी सी ओ उस बता देते हैं अच्छा हमने किट यहाँ मंगवा लिया ताकि हम आपको दिखा भी सकें अच्छा आप पहले पी सी ओस का बता रही थी अच्छा मैं आपको पी सी ओस का बता रही थी कि पॉलीसिस्टिक वेरियंट सिंड्रोम जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपको हो नहीं। नहीं। तो ही आप किट यूज करें ठीक है ठीक है हॉमोनल इम्बेलेंस हमारे यहाँ अब हर दूसरी औरत को है ठीक है ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है पूरी एशियन कंट्रीज ठीक है उसकी रीज़न बहुत बड़ी हमारा लाइफ चेंज होना हमारे प्रेशर्स चेंज होना हमारी डाइट का चेंज हो जाना बहुत सारे फैक्टर्स हैं हाँ आप देखें आज से पंद्रह साल पहले अगर इनफर्टिलिटी का स्टैटिस्टिक्स निकालें तो वो डिफरेंट था आज डिफरेंट है और राबिया आज से दस साल बाद मजीद ज़्यादा इसमें वर्स्ट हो जाएगा अगर हमने अपने हार्मोंस हार्मोन वो पिलर है जो आपकी बॉडी को खड़ा ठीक okay. uh, so, है आपके मूड इनके ऊपर डिपेंड करते हैं ठीक है सो इट्स नॉट ओनली ईस्ट्रोजन और प्रोजिस्ट्रॉन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि हमारी साइकिल्स जो हैं ख़वान की उनमें उनकी हार्मोन्स हैं हर वो हार्मोन जो आपकी बॉडी में है वो एक दूसरे से लिंक है ठीक थी? सो so, ये हमारी हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है ना जो हमारी डाइट एक बहुत बड़ा जिसमें फैक्टर है हम बाहर के खाने चीजें और पुरानी चीजें अपनी चीजें छोड़ के हम हैं ऐसे लोग उधर से कपड़े आ गए उधर उधर का कुछ भी आ जाए कॉस्मेटिक आ जाए उधर की लाइफस्टाइल आ जाए उधर की सोचें आ जाएं हाँ तो वो तो उससे हमें नुकसान ही हुआ है लेकिन एनीवेज तो वो हमने हमारी सीद लाइफ में बिल्कुल हमारी डाइट में खत्म हो गए जो हमारे अपने क्रॉप्स हैं है ना और ये भी अल्लाह की एक हमत है कि आप जिस जगह पैदा होते हैं आपकी सारी बीमारियों की जो वहीं से रिलेट करती हैं उसका इलाज भी उसी ज़मीन में होता है सो so, हमारे अपने ही सीड्स हैं और ये वो सीड्स हैं जिनसे हमारे न सिर्फ वो हार्मोन जो कि हमारी साइकिल से रिलेट करते हैं बल्कि हर तरह का हार्मोन बैलेंस होता है सो okay. so, ये सिर्फ पी वाली okay. लड़कियाँ नहीं ले सकती हैं okay. वो खातून जो मेनोपॉज के करीब हैं वो भी ले okay. सकती हैं वो खातून जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, okay. है। okay. वो ले सकती हैं वो लड़कियाँ जिनका वेट पोट्रॉन बहुत तेज़ी से हो रहा है वो ले सकती हैं और हमारी इसके साथ एक टी भी आती है पी सी ओ टी वो भी सारी वही हर्ब्स हैं जो हमें हमारी बॉडी को वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगी जो हमारी डाइट में नहीं है ठीक so, uh, है सो ये एकेटा जिसमें के uh, या बीच में छह तरह के सीड्स हैं छह तरह की सीड्स हैं और फ्रॉम द डे 1 जब आपकी मेंस्ट्रुएशन शुरू होती so, उसका है उसका डे 1 पे आप स्टार्ट करेंगे लेंगे यस डे 1 पे स्टार्ट करेंगे ये तीन तरह के बीज सही है एंड देन 14th डे से ये तीन तरह के बीज मैं बीच में बता दूं क्योंकि मैं मैं यूज कर रही तो सिक्स टाइप्स के Uh, इसमें सीड्स हैं तो तीन आप पहले 14 डेज यूज़ करते हैं yes. फिर तीन की कॉम्बिनेशन आप नेक्स्ट 14 डेज यूज़ करते हैं yes. और ये सब डिटेल्स उसके पेपर पे लिखी हुई हैं बट द की इज़ टू स्टार्ट इट फ्रॉम डे वन ऑफ योर साइकिल एंड वो कंटिन्यूस फिर आप थर्टी डे ट्वेंटी डेज के लिए आप करते हैं और फिर जैसे ही ट्वेंटी डेज खत्म होते हैं फिर नेचुरली आप दोबारा स्टार्ट करते हैं राइट यू डोंट हैव टू वेट फॉर द कि अगर आपकी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आप आपको आपकी डेट स्टार्ट हो ऑब्वियसली ये तीन महीने लेंगी तो डेट्स बेहतर हो जाएंगे ना आपकी या। लेकिन अगर टाइम पे नहीं भी आ रहे आपको तो ये आपने करना है ये आपने उस दिन कि अगर किसी ने स्टार्ट किया से, हाँ, ये एक किट खत्म हो गई ट्वेंटी तो कर लिया तो अब मैं ट्वेंटी नाइन डे पे दोबारा डे वन से शुरू कर दू मैं वेट तो नहीं ना क्योंकि बीच में नहीं ये अच्छा अच्छा जो तीन आखिर के बीच है Uh, मैं ये यहाँ ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जब uh, ख़वातन या लड़कियाँ वेट थोड़ा सा पुटॉन करती हैं तो उनको पिगमेंटेशन uh, जो उनका पहले कॉम्प्लेक्शन होता है उनको ये शिकायत होती है अक्सर आके कह रही होती हैं कि हाँ uh, मैं एक प्रोजिस्टॉन डर्माटाइटिस होता है ओके okay. येस yes. uh, जिनके तो हार्मोन ये आप समझ लें आसान अल्फाज में हाँ। कि जिनके हॉर्मोन्स इम्बेलेंस होते हैं है। उनको पिगमेंटेशन भी आनी शुरू हो जाती है आ, वो खौतियां लेती हैं उनको भी इस तरह की पिगमेंटेशन आती है यहाँ पैच कुछ हो गया यहाँ कुछ हो गया नेक के पास कुछ हो गया हाँ यस तो इसलिए उसमें भी ये फायदा करेगा ठीक है तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा नहीं, सकता हुँ, हुँ, नुकसान हरगिज़ नहीं पहुंचा सकता बिकॉज ये नेचुरल है इसमें आ, आ, देखो यार तिल के है। तिल है। तिल है। नाम ही बहुत मजे वाले अच्छे चीजें अच्छा इसको खाने के मैं तो एज ए स्नैक खाती हूँ मतलब खाली मैंने अपना टेस्ट बना लिया जरूरी नहीं कि आप लोग ऐसे खाएं आप अपना दलिया खा रहे हैं कोई आ, सालड में सालड में डाल दें रोस्ट करके रखना है नहीं ग्राउंड नहीं, ना करें जब आप मुंह में नहीं वो मैंने देखा बहुत सारे लोग और भी ये कर रहे हैं इसको ऐसे रखने की रीजन क्या है जब आप ग्राउंड कर लेते हैं ना एक्चुअली इसके ऑयल्स होते हैं जब आप चबाते हैं और दांतों के दरम्यान तो उसके ऑयल्स रिलीज होते हैं जो कि हमें चाहिए अगर आप ग्राउंड कर लेंगे पहले से तो वो तो टाइप की चीज बन गया तो ये ये मेरे क, नहीं मेरी क्वेरी थी जो मैंने अभी आपसे हाँ, अच्छा मैं इसको योगर्ट में डाल के विद सम फ्रूट खा लेती वो जैसे सुबह सीरियल खाते हैं आप लोग अपनी कोई स्मूदी बना रहे हैं या इस तरह के शेक बना रहे हैं उसमें डाल लें ठीक है तो ये आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर मेथड की जरूरत नहीं है कच्चे भी खा सकते हैं रोस्ट करके मेरी भी मेरी टीम सामने बैठी है बड़ी हस्ती है मैं ड्रामे की एक शूट कर रही हूँ तो उस पर मैं कहती हूँ मेरे स्नैक्स रख लो जब हम घर से निकल रहे होते हैं तो वो वहाँ हंसती है कहती हम बीज रख लो इनके बैग में बीज रख लो <laughs> बट आप इतना सही करिए आपको पता है मैं ऑफिस के बीच में खाती हूँ मेरा लिटरली टू टेबल स्पून ऑफ योगर्ट विद दिस एंड वो अच्छा स्नैक है आप बिल्कुल मैं तो, तो चाय के साथ ले हाँ। रही हाँ। हाँ। अच्छा मैं उसके ऊपर नहीं मैं तो अपना वो बना लिया था थोड़ा सा फ्रूट अगर कभी डाल दिया हाँ। अच्छा किसी ने मुझे मैसेज किया था कि उनको तिल से या किसी एक सीट से एलर्जी थी तो वो पूछ रही थी कि अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए इसी को रिप्लेस अच्छा ये तिल भी दो तीन तरीके के होते हैं ठीक है अब कौन से तिल से एलर्जी थी ये भी चेक करें आप और आप एक टेस्ट छोटा सा करा लें अगर करवा सकते हैं तो अब तिल से एलर्जी अगर आपको लगती है तो उस फिलहाल उन आ, को छोड़ नहीं, हो सकता है, नहीं पड़ेगा मतलब ये, अगर आपको बहुत सीवियर केस एलर्जी या कुछ है इनमें से किसी एक सीड से हाँ पाँच आप इस्तेमाल हंड्रेड परसेंट नहीं जाएगा कुछ तो जाएगा एन यूं एटलीस्ट तीन साइकिल्स चलाएं तीन से चार साइकिल्स तो रेगुलरली आप चलाए और लेकिन मैं फिर बोलूँगी कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम इस इंतहा का है तो ये इस इट डजेंट मीन कि आप गायनोकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाएं मैं खुद एक डॉक्टर हूँ मैं कभी आपको ये गलत चीज़ के ऊपर गाइड नहीं कर सकती कि जी ठीक है ये तो सब कुछ सही कर देगा नहीं।, नहीं।, नहीं भाई मैं हरे पत्ते वाली आंटी नहीं हूँ हाँ तो इसलिए अगर तो आपका ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत सीवियर है और आप गायना कॉलेज़स के पास जाएं, वो सपोर्ट भी लें जो वो दे रही है आपको लेकिन उसके साथ ये भी यूज़ करेंगी तो चीज़ें बेहतर जल्दी हो जाएंगी दूसरी बात बहुत सारे बच्चियों में माएँ बहुत जल्दी उनको उस तरह की पिल्स नहीं खिलाना चाहती जो कि एलोपैथिक सपोर्ट है ना वो लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी खुतिन जिन्होंने वेट पुट ऑन किया हुआ है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसके लिए इससे कोई इससे सिर्फ फायदा होगा आपके वेट को नुकसान नहीं क्या पीरियड्स के पेन को भी रिड्यूस कर सकता है uh, no. No. नो, ऐसा कुछ नहीं okay. है हाँ. okay. ठीक है आई थिंक अभी हमने काफी टाइम ले लिया आई हैव लाइक मोर टॉपिक्स बात पी, पीरियड्स के के पे पेन लिए ना लेटेस्ट चीजें आ गई हैं उन्हें देखें थोड़ी सी बेहतर चीजें हैं वो क्योंकि वो जो मेडिसिन हाँ वो मेडिसिन जो खाते हैं ना वो भी दैट इज ऑल्सो नॉट राइट फॉर स्किन अगले वाले सेशन में इंशाला हम ये बाकी चीजें हम पर्सनल हाईजीन पर बात करना चाहते हैं काफी लंबा ऑलरेडी हमारी वीडियो हो गई है सो नेक्स्ट सेशन रखेंगे दोबारा

एक यू नो सर्टिफाइड एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको कुछ बताऊँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भी ये गई है कि है तो आपने रेंडमली सर्च किया उसके ऊपर बिलीव किया वो कर भी लिया देन यू एंड अप हैविंग बैड स्किन या इवन यू नो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम गाइडेंस दे रहे हैं अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों के लिए तो मकसद तो ये था बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मोस्ट लविंग टॉकिंग टू यू गाइस आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है मेरे बात-बात लगता है कि बहुत सीरियस है ना मैं कोई हंसूंगी तो कुछ कर तो नहीं भाई प्लीज ठीक है फिर अगली वीडियो में आपके साथ हम फन वाली कर रही हूं, हाँ। फन कर हूं। लान लान मैं फन वाली कर रही हूँ ठीक है आई डोंट हैव अ फन सेगमेंट इन द नेक्स्ट भी हम शायद को इतना टेस्ट टेस्ट देंगे ठीक है कि ये जो इनके सी इन्हीं की चीजें ना जो इसके कि बताइए इनमें से कौन सी वाली पंजीरी आप लोगों की अपनी है लेट्स <laughs> सी <laughs> आप बता देखिए okay, okay आपने मेरे मुझे चैलेंज कर दिया है डन हो रही है मैं पहचान लूंगी हां सही है ठीक है ओके थैंक यू रम्या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम